अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद ख़ान। आई एम फ्रॉम MS केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर एंड टुडे द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज़ न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक के बारे में। स्पिन पोलराइज्ड न्यूट्रॉन। इफ़ वी वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट थिन फिल्म वाया दिस मैथड, देन वी हैव टू यूज़ पोलराइज्ड न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टोमीट्री। कि अगर हमने थिन फिल्म के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में थिंग्स को रिवील करना है, तो हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है? स्पिन पोलराइज्ड न्यूट्रॉन। इंडिविजुअल न्यूट्रॉन हैज़ स्पिन हाफ एंड एंगुलर मोमेंटम प्लस माइनस एच बाई टू। के जो इंडिविजुअल न्यूट्रॉन है उसकी स्पिन आपको पता है कि 1/2 होती है, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो प्लस माइनस एच बाई टू होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पिन अप के लिए जो है एंगुलर मोमेंटम वो कितना है? प्लस एच बाई टू। और जो स्पिन डाउन है न्यूट्रॉन की, तो उसमें जो है एंगुलर मोमेंटम लाइक न्यूट्रॉन का माइनस एच बाई टू है। इफ़ वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फील्ड, देयर आर ओनली टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ द न्यूट्रॉन, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो न्यूट्रॉन के लिए फिर दो पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो जाती हैं, या तो वो फील्ड के पैरेलल हो जाता है या फिर एंटी पैरेलल हो जाता है। द पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्केलर फॉर्म एज। अब जो पोलराइजेशन है वो न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के रेफरेंस से अगर हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, तो इसको एक मतलब आपके पास एक फार्मूला है, पी इज़ इक्वल टू एन पॉजिटिव माइनस एन नेगेटिव और एन पॉजिटिव प्लस एन नेगेटिव। अब इसमें एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव क्या है? हेयर एन पॉजिटिव एन एंड नेगेटिव आर द नंबर ऑफ स्पिन अप एंड स्पिन डाउन न्यूट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। जैसे कि ऊपर फिगर में शो किया हुआ है स्पिन अप और स्पिन डाउन न्यूट्रॉन। तो स्पिन अप अगर बात करेंगे तो उसको एन पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, अगर स्पिन डाउन की बात करेंगे तो उसको एन नेगेटिव से डिनोट करेंगे। और पोलराइजेशन को डिटरमिन कैसे कर सकते हैं? बेसिकली ये रेशियो है स्पिन अप और स्पिन डाउन, नंबर ऑफ स्पिन अप प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ स्पिन डाउन प्रोटॉन्स के बीच। नाउ पी स्टैंड्स फॉर पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेशन। नाउ पी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी इज इक्वल टू एफ माइनस वन और एफ प्लस वन। अब यहाँ पर एफ क्या है? एफ बेसिकली रेशियो है किसके बीच? स्पिन अप न्यूट्रॉन्स और स्पिन डाउन न्यूट्रॉन्स की तादाद के दरमियान ये रेशियो है, और इस रेशियो को कहते हैं बेसिकली फ्लिपिंग रेशियो। एंड दिस इज़ मेयर एबल क्वांटिटी इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कि जब हम स्कैटरिंग फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं तो ये चीज़ मतलब ये जो फ्लिपिंग रेशियो है इसको आप मेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट है स्पिन फ्लिप एंड नॉन फ्लिप स्कैटरिंग। एट एनी रीजनेबल टेम्परेचर फील्ड न्यूक्लियर मोमेंट्स आर ओरिएंटेड रैंडमली एट ईच साइड इन अ मटेरियल। कि जब आप कोई रीजनेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस पर जो फील्ड न्यूक्लियर मोमेंट्स है मटेरियल के अंदर, तो वो क्या होते हैं? ईच साइड पर क्या हो जाती है? रैंडमली ओरिएंट हो जाती है। The interaction of neutrons with this array of random vectors leads to incoherent scattering. कि जब न्यूट्रॉन्स की उन मतलब जो
न्यूक्लियर फील्ड मोमेंट्स जो ओरिएंट होते हैं मटेरियल के ईच साइड पर, तो जब न्यूट्रॉन उसके साथ इन क्या होता है इंट्रैक्ट करता है तो किस चीज़ के इनकोहेरेंट स्कैटरिंग प्रोड्यूस होती है। इफ न्यूक्लियर मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रॉन पोलराइजेशन वेक्टर देन द न्यूट्रॉन मोमेंट इज फ्लिप्ड बाय स्कैटरिंग इवेंट। कि जो न्यूक्लियर मोमेंट है अगर वो किस चीज़ के परपेंडिकुलर है, न्यूट्रॉन पोलराइजेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है तो फ्लिप्ड स्पिन आप उसको काउंट करोगे। स्पिन मतलब कि कौन सी होगी, फ्लिप स्पिन होगी। द न्यूट्रॉन मोमेंट इज फ्लिप्ड बाय स्कैटरिंग इवेंट। और अगर ये जो है न्यूक्लियर मोमेंट जो है वो किस चीज़ के पैरेलल है, न्यूट्रॉन पोलराइजेशन वेक्टर के पैरेलल आ रहा है तो ये नो फ्लिप अकर, जिसको नॉन फ्लिप स्कैटरिंग आप काउंट कर सकते हो। स्पिन फ्लिप स्कैटरिंग हैज़ ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ नॉन स्पिन फ्लिप स्कैटरिंग। कि जो स्पिन फ्लिप स्पिन होती है न्यूट्रॉन्स की, उसके साथ जो स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो ट्वाइस होती है, टू टाइम्स होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन स्पिन फ्लिप स्कैटरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिन फ्लिप और नॉन स्पिन फ्लिप। नॉन स्पिन फ्लिप में क्या होता है, न्यूक्लियर मोमेंट्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं, और जो स्पिन फ्लिप है इसमें जो न्यूक्लियर मोमेंट है न्यूट्रॉन पोलराइजेशन वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। स्पिन फ्लिप में परपेंडिकुलर और नॉन स्पिन में पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर अ फेरोमैग्नेट द अप्लाइड फील्ड डिटरमाइंस बोथ द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटाइजेशन एक्सिस एंड द इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक बेसिकली क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड होने की वजह से मतलब कि फेरोमैग्नेटिज्म अराइज होती है किसी भी मटेरियल के अंदर। For a ferromagnet material, the applied field determines both the nuclear spin quantization axis and the electron spin direction. Electron spin की direction भी find out मतलब कर सकते हो आप, और दूसरे क्या है spin axis, nuclear spin quantization axis, ये चीज़ भी आप determine कर सकते हो। So they become parallel to each other and no spin flip occurs। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि जब वो पैरेलल हो जाती है तो नो स्पिन आप मतलब उसमें स्पिन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर परपेंडिकुलर होगी, न्यूक्लियर मोमेंट्स जो हैं परपेंडिकुलर होंगे तो उसको आप स्पिन फ्लिप मतलब उसमें ऑब्जर्व हो सकती है। स्कैटरिंग प्लेन बोथ द स्पिन फ्लिप एंड नॉन स्पिन फ्लिप स्कैटरिंग टेक प्लेस। सो ये ऊपर एक स्केप हो गया। हाउ एवर इफ़ द फील्ड इज़ अप्लाइड इन एनी जनरल डायरेक्शन, कि अगर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो तो किस किस चीज़ के अलॉन्ग, स्कैटरिंग प्लेन के अलॉन्ग अगर आप कोई एक्सटर्नल जो है अब फील्ड अप्लाई करते हो तो बोथ फिनोमिना आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब कि स्पिन फ्लिप अब हो भी सकता है और स्पिन फ्लिप नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी फेरोमैग्नेट मटेरियल्स के लिए। फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स द अप्लाइड फील्ड डज नॉट डिसाइड दिस इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन। कि जो आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इसमें जो अप्लाइड फील्ड है वो स्पिन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करती है। सो द न्यूट्रॉन स्पिन क्वांटाइजेशन इज नॉट नेसेसरली पैरेलल टू द इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन। कि जो न्यूट्रॉन स्पिन क्वांटाइजेशन एक्सिस है वो पैरेलल नहीं होती, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि वो क्या हो पैरेलल हो। तो आप दस द इंटायर स्कैटरिंग इज मोस्टली स्पिन, तो क्योंकि ये पैरेलल नहीं होती है तो आप उसको क्या कौन सी स्पिन काउंट कर सकते हो,
स्पिन फ्लिप काउंट कर सकते हो उसको, क्योंकि अगर वो पैरेलल होती तो आप कहते कि यहाँ पर नो स्पिन, अगर वो पैरेलल नहीं है तो स्पिन फ्लिप। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन। सबसे पहले है यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कि ये क्या किस चीज़ की अप्लाई होती है, स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए। फॉर लोकेटिंग द लाइट एटम्स, कि अगर कहीं पे मतलब स्ट्रक्चर के अंदर लाइट एटम्स मौजूद हैं, हल्के एटम्स मौजूद हैं, तो उनको लोकेट करने के लिए। हैवी एटम्स दैट एब्जॉर्ब एक्स रे स्ट्रॉन्गली, जो स्ट्रक्चर के अंदर हैवी एटम्स मौजूद होते हैं वो एक्स रे मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उन हैवी एटम्स को लोकेट करने के लिए भी ये यूज़ होती है। सिमिलर एटॉमिक नंबर या आइसोटोप्स, आइसोटोपिक स्पीशीज़ जो मौजूद होंगी स्ट्रक्चर के अंदर, उन चीज़ों उन स्पीशीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, क्या है कि वो जो कोई कंपाउंड है आपके पास वो क्या है, पैरा मैग्नेटिक है, फेरो है, एंटी फेरो है, तो इस चीज़ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिंगल क्रिस्टल स्टडीज़ एनालिसिस, कि सिंगल क्रिस्टल स्टडीज़ जो होती हैं उन स्टडीज़ को भी आप न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन के थ्रू रिवील कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जिस्टिंग रिसर्च रिगार्डिंग न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन टेक्निक, स्टडी ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर इन कॉम्प्लेक्स माइक्रो मालिकुलर फ्लूड्स, के माइक्रो मालिकुलर लेवल पर जो स्टडी होती है माइक्रो स्ट्रक्चर, उसको रिवील करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिल्म सिस्टम, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि थिन फिल्म को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एटॉमिक अरेंजमेंट इन नैनो पार्टिकल्स, अगर आपके पास कोई नैनो मटेरियल है तो उसमें एटॉमिक अरेंजमेंट क्या है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। सुपर कंडक्टिविटी इन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लोकेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन बायोमॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, बायोमॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर जो प्रोटॉन की लोकेशन है उसको लोकेट करने के लिए। दी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अमॉर्फस कार्बन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ इवेपोरेटेड प्योर अमॉर्फस सिलिकॉन। तो ये चांद एक मतलब के एग्जिस्टिंग रिसर्च हैं जो कि किस चीज़ के रिगार्डिंग है, न्यूट्रॉन एक्सरे डायफ्रेक्शन टेक्निक के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है लिमिटेशंस रिगार्डिंग द न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन टेक्निक। फर्स्ट वन है डिफिकल्ट टू फोकस, सो अनफेवरेबल फॉर द नैनो स्केल मैग्नेटिज्म रिसर्च, कि इस चीज़ को मतलब ये जो फोकस करना होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, तो नैनो स्केल लेवल पर ये जो है वो क्या है, फेवरेबल नहीं है न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन। बट पोलराइज्ड न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टोमेट्री कैन बी यूज फॉर थिन फिल्म, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि थिन फिल्म को अगर आपने स्टडी करना है तो उसके लिए न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। फिगर ऑफ द मेरिट इज डिफाइंड बाई द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पेक्टिव अटोमिक इंट्रैक्शन क्रॉस सेक्शन, द अवेलेबल इंसीडेंट फ्लक्स एंड द स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक कंट्रास्ट, कि जो इस चीज़ की मतलब यूटिलाइजेशन है, इसकी प्रोडक्टिविटी रेट है, तो वो इस इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, अटोमिक इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, और इंसीडेंट फ्लक्स एंड स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक कंट्रास्ट, तो इन चीज़ों के लिए लिमिटेड है ये। जस्ट ड्यू टू स्मॉल इंसीडेंट फ्लक्स द फिगर ऑफ द मेरिट इज़ लेस फॉर स्मॉल सैंपल एरियाज, के क्योंकि इसका अगर न्यूट्रॉन टेक्निक की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या होता है, स्मॉल इंसीडेंट फ्लक्स होता है, तो इसका जो है प्रोडक्टिविटी रेट वो लेस है, किस कौन से सैंपल्स के लिए, जिन सैंपल्स का स्मॉल सेक्शन एरिया है।
अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज वी नीड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। फिशन रिएक्शन के दौरान आपको पता है कि न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो फर्दर फिशन काज करते हैं, तो वहाँ ये न्यूट्रॉन की अवेलेबिलिटी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसके लिए हमें क्यों कौन से फिशन रिएक्शन कराने पड़ते हैं। इफ़ द स्पिन एरिया एक्सिस आर नॉर्मल टू द प्लेन्स ऑफ रिफ्लेक्शन देन नो मैग्नेटिक स्कैटरिंग टेक प्लेस। अगर जो है स्पिन एक्सिस है वो द प्लेन्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की प्लेन्स के वो क्या हैं, परपेंडिकुलर नॉर्मल हैं, तो नो मैग्नेटिक स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, जो मैग्नेटिक स्कैटरिंग जो है फिर वो टेक प्लेस नहीं होगी, वो प्रोसेस आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ओनली न्यूक्लियर स्कैटरिंग विल बी देयर, तो वहाँ पर कौन सी स्कैटरिंग होगी, न्यूक्लियर स्कैटरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन। इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन रेफर्स टू द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन का जो फिनोमिना है वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को सपोर्ट करता है। इट मे बी रिगार्डेड एज अ टेक्निक यूज्ड टू स्टडी मैटर बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स एट अ सैंपल एंड ऑब्जर्विंग द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। कि किसी भी मटेरियल जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हो इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन की टेक्निक के थ्रू, तो उस पर आप इलेक्ट्रॉन्स की मतलब को फायर करते हो, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट कराते हो, फिर जो उसके से मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट से जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है उसको देखते हुए आप स्ट्रक्चर इलोसीडेट कर सकते हो। दिस फिनोमिना इज़ कॉमनली नोन एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है, विच स्टेट्स दैट पार्टिकल ऑफ द मैटर इन दिस केस द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ वेव। पार्टिकल जो है मैटर का पार्टिकल जो है वो क्या है, मतलब डुअल उसकी नेचर होती है, एज ए उसकी वेव भी होती है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। एन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिगार्डेड एज वेव मच लाइक साउंड और वाटर वेव्स। इलेक्ट्रॉन क्योंकि बजाते खुद एक पार्टिकल है लेकिन इसकी वेव नेचर भी है, लाइक जैसे कि वाटर की वेव्स होती हैं या फिर साउंड की वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन भी वेव प्रोड्यूस करते हैं। दिस टेक्निक इज सिमिलर टू द एक्सरे एंड न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन। तो ये जो टेक्निक है बेसिकली ये इसकी इस टेक्निक की जो रिजेम्बलेंस है वो किसके साथ है, एक्सरे और न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन जो हमने पीछे पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट है हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन की हिस्ट्री जो है। द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड इन 1924 प्रिडिक्ट्स दैट पार्टिकल्स शुड आल्सो बिहेव एज वेव्स। कि डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट था उसने क्या कहा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज ए वेव नेचर भी उनकी होनी चाहिए। डी ब्रॉगलीज फार्मूला वॉज कन्फर्म थ्री ईयर्स लेटर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन इन टू इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स। कि डी ब्रॉगली का जो ये स्टेटमेंट थी वो बाद में दो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव की गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं बजाते को, तो वो वेव नेचर उनकी भी होनी चाहिए, वेव नेचर उन्हें शो करनी चाहिए। फर्स्ट जो है वो था जॉर्ज थॉमसन, पास्ड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए थिन मेटल फिल्म एंड ऑब्जर्व द प्रिडिक्टेड इंटरफेरेंस पैटर्न। कि जॉर्ज थॉमसन जो था उसने क्या किया था कि थिन मेटल थी उसकी, उसने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट कराई, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट के बाद जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हुआ उसको उसने स्टडी किया। और दूसरे नंबर पे डेवियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अराउंड द सेम टाइम एट बेल लैब्स क्लिंटन जोसेफ डेवियन एंड हालबर्ट जर्मर गाइडेड देयर बीम थ्रू ए क्रिस्टलाइन ग्रिड। तो ये दो मतलब हैं एक्सपेरिमेंट जो इसके
डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। क्रिस्टलाइन सैंपल इंट्रैक्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन बीम मोस्टली बाय इंट्रैक्शन रादर देन एब्जॉर्प्शन। कि क्रिस्टलाइन सैंपल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम के साथ इंट्रैक्ट करता है, जस्ट इंट्रैक्ट करता है, अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। The intensity of diffraction depends upon the orientation of the planes of the atoms in crystal relative to the electron beam। जो diffraction की जो intensity है वो किसी crystal lattice के अंदर जो atoms की location होती है, उनकी जो position होती है, उन पर depend करती है intensity diffraction की। Basics of electron diffraction। तो ये एक चंद एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शंस के मतलब नेसेसिटी है। नो एब्जॉर्प्शन, जैसे हमने देखा कि वो इंट्रैक्ट करता है, अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। नो थर्मल वाइब्रेशंस, जब अब्जॉर्प्शन नहीं होगी लाइट की तो डेफिनेटली थर्मल वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। नो मल्टीपल स्कैटरिंग, मल्टीपल स्कैटरिंग नहीं होती इसमें। लार्ज ऑब्जेक्ट मैक्रोस्कोपिक सिंगल क्रिस्टल। Distance between the crystal and the film is greater than the wavelength of electron। कि जो crystal और film के दरमियान जो spacing है, जो distance है, वो it must be greater than the wavelength। जितनी आप electron उस पर bombard कर रहे हो उसकी wavelength से वो distance greater होना चाहिए। Next है electron interaction with matter। इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन विद मैटर। अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ द मटेरियल सच एज द एक्सरे एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड इंट्रैक्ट विद द मैटर थ्रू द कूलम्ब फोर्सेस। के एक्सरे डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शंस के अनलाइकली, अगर आप बात करती हो किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो वो इन्फ्लुएंस फील करते हैं बोथ, मतलब किस चीज़ का, पॉजिटिव एटॉमिक न्यूक्लियाई का और सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस, वो दोनों मतलब ये फील करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्ट्रक्चर में, तो उन दोनों का वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस को फील करते हैं। In comparison, X-rays interact with the spatial distribution of the valence electrons। जो X-rays होती हैं वो valence electrons पर मतलब act करती हैं। While the neutrons are scattered by the atomic nuclei through the strong nuclear forces। के जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियाई के अंदर जो होते हैं ना न्यूट्रॉन्स, वाइल द न्यूट्रॉन्स आर स्कैटर्ड बाई द अटामिक न्यूक्लियाई थ्रू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। कि न्यूट्रॉन की जो स्कैटरिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो एग्जिस्ट करती हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उनकी वजह से वो क्या होते हैं, स्कैटरिंग होती है न्यूट्रॉन्स की। इन एडिशन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉन ज़ीरो एंड दे आर देयरफॉर आल्सो स्कैटर्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड्स। के जो न्यूट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो ज़ीरो नहीं होता, हमेशा क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है। एंड दे आर देयरफॉर आल्सो स्कैटर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से भी स्कैटरिंग उनकी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इंट्रैक्शन द थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर सूटेबल फॉर डिफरेंट स्टडीज। तो क्योंकि डिफ्रैक्शंस को इंट्रैक्शंस का पैटर्न हो या फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न हो वो डिफरेंट होता है, इसलिए हम उन तीन तरह के मतलब कि एक्सरेज भी यूज़ करते हैं, न्यूट्रॉन भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बीम भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम। कि इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसकी इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है।
An incident beam of electron is scattered by the atoms of a crystal in unit cell. के crystal lattice के अंदर जो atoms मौजूद होते हैं electrons की जो है beam वो उनसे interact करके फिर scatter हो जाती है. Since the atoms are specially distributed in the unit cell, there will be a different in phase. क्योंकि उनकी स्पेशल एटम्स की जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होती है यूनिट सेल के अमंग, तो इस वजह से देयर विल बी अ डिफरेंस इन फेज, फेज में भी डिफरेंस होगा. स्कैटरिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रेडिएशन कंसीडर्ड, कि जो स्कैटरिंग पावर है एलिमेंट की कि कितना वो स्कैटर कर पाएगा, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेसिकली टाइप ऑफ रेडिएशन पे, कि कौन सी रेडिएशन आप यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की कर रहे हो, एक्सरे कर रहे हो, या फिर न्यूट्रॉन कर रहे हो. नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास है अ ब्रैग इक्वेशन. जो ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है, तो बेसिकली ये किस इक्वेशन पे मतलब बेस कर रहा है, ब्रैग इक्वेशन पे, एन लैम्डा इक्वल्स 2d साइन थीटा. ब्रैग डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और सब एटॉमिक पार्टिकल वेव्स विद वेवलेंथ कंपेयर एबल टू एटॉमिक स्पेसिंग आर इंसिडेंट अपॉन द क्रिस्टलाइन सैंपल आर स्कैटर्ड बाय द एटम्स इन द सिस्टम एंड अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कि बेसिकली जो ये स्कैटरिंग फिनोमेना है वो कब मतलब उसकी हैपनिंग कब होती है, कि जब आप सब अटोमिक पार्टिकल्स अगर आप कह लें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर रहे हो, एक्सरे यूज़ कर रहे हो, या फिर न्यूट्रॉन यूज़ कर रहे हो, ये हैं सब अटोमिक पार्टिकल्स. इनकी जो वेव लेंथ है वो इट मस्ट बी कंपेयर एबल टू अटोमिक स्पेसिंग. ठीक है, जो एटम्स के दरमियान स्पेसिंग मौजूद हैं उनके ये कंपेयर मतलब कंपेयरेबल होनी चाहिए वेवलेंथ जो है. और तो जब वो कंपेयरेबल वेवलेंथ इंसिडेंट की जाती है किस पे, क्रिस्टलाइन सैंपल पर, देन दे आर स्कैटर्ड बाय द एटम्स इन द सिस्टम. तो वो जो है वेव आप जो सी यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की कर रहे हो, एक्सरे कर रहे हो, या फिर दूसरी आप वो न्यूट्रॉन की कर रहे हो, तो ये चीज़ें जो हैं फिर वो जो वेव होती है वो एटम्स क्या करते हैं, उनको स्कैटर कर देते हैं. और ये आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ऑब्जर्वेशन होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करते हो आप. फॉर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द वेव्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम लैटिस प्लेन्स सेपरेटेड बाय द इंटरप्लेनर डिस्टेंस. अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हो तो जो वेव्स होती हैं वो दे आर स्कैटर्ड फ्राम द लैटिस प्लेन्स. लैटिस के अंदर जो प्लेन्स होती हैं सेपरेटेड बाय द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जो जिनके दरमियान स्पेसिंग डी जिसको आप काउंट करते हो, तो उनकी वजह से होता है. वेयर द स्कैटर्ड वेव्स इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली, उनके मतलब जो होती हैं स्कैटर वेव्स जो होती हैं उनके दरमियान जो इंटरफेरेंस होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती हैं. दे रिमेन इन फेज, मतलब कि वो फेज में होते हैं. सेंस द पाथ लेंथ ऑफ ईच वेव इज इक्वल टू एन इंटेगर मल्टीपल ऑफ द वेव लेंथ. जो ब्रैग इक्वेशन है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा. The path difference between two waves undergoing constructive interference is given by 2d sin theta. जो path difference होता है waves के दरमियान, जो path difference है, जो constructive interference show कर रही होती हैं उनके दरमियान जो path difference होता है वो किसके equal होता है, 2d sin theta, where theta is scattering angle, कि कौन से angle पे वो scatter कर रही हैं waves जो हैं. This leads to the Bragg's law, which describes the condition for the constructive interference from the successive crystallographic planes of the crystalline lattice. तो ये चीज़ जो है वो ब्रैग लॉ को कन्फर्म करती है. तो बेसिकली जो ब्रैग का फार्मूला है वो क्या है, ब्रैग इक्वेशन 2d sin theta equals n lambda.
वेयर एन इज एन इंटेगर डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर गिवन एंड द लैम्डा इज द वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन पैटर्न। एन इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, कार्बन टारगेट, ए ल्यूमिनिसेंट स्क्रीन। तो बेसिकली ये जो डायफ्रेक्शन ट्यूब होती है वो तीन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, एक इलेक्ट्रॉन गन पर, कार्बन टारगेट पर और ल्यूमिनिसेंट स्क्रीन, एक मतलब कि ल्यूमिनिसेंट स्क्रीन होती है। इज़ यूज फॉर एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स को। इलेक्ट्रॉन गन, द हीटेड कैथोड एंड एनोड मेक अप द इलेक्ट्रॉन गन। कि जो कैथोड और एनोड होते हैं, हीटेड कैथोड और एनोड, वो क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अ फिलामेंट दैट इज लोकेटेड इनसाइड एन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिलामेंट को बेसिकली हीट करने से प्रोड्यूस होते हैं। एन ऑक्साइड कोटेड मेटल कैन कॉल्ड द कैथोड। ठीक है, एक मेटल ऑक्साइड की जो कोटिंग है उसको आप क्या कह सकते हो, कैथोड के तौर पर आप ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बाई थर्मो आयनिक इमिशन फ्राम दिस हीटेड पीस ऑफ द मेटल। जब मेटल वो उसको आप, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड है उसको आप कैथोड के तौर पर ले रहे हो, उसको जब हीट किया जाता है तो वो क्या, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होती है वहाँ से। Once emitted, the electrons are accelerated by the two pairs of anode rings with adjustable acceleration potential. कितना होता है, 2000 से 5000 वोल्ट। तो जब एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं फिर उनकी एक्सलेशन जो होती है वो एनोड पेयर्स की वजह से होती है, जिनका एक्सलेशन कितना होता है, 2000 से 5000 वोल्ट का एक्सलेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन की बीम, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हो रहे होते हैं वहाँ पर फिलामेंट की हीट करने की वजह से, तो उनकी जो एक्सलेशन होती है वो ड्यू टू द पोटेंशियल होती है, मतलब कि जो कि 2000 से 5000 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट है कार्बन टारगेट, सेकेंड कंपोनेंट। As the electron beam passes through the anode, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की बीम एनोड से पास आउट होती है, it means a very thin mesh coating vaporized graphite carbon. It meets a very thin mesh containing vaporized graphite. कार्बन टारगेट जो है बेसिकली उस चीज़ को आप कह रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन की बीम एनोड से पास होती है तो फिर पास आउट होने के बाद कहाँ जाती है, ग्रेफाइट जो कि प्योर कार्बन है उसके साथ जा कर के मिलती है। द कार्बन सस्पेंशन एक्ट्स एज अ पॉली क्रिस्टल। जो कार्बन टारगेट है, ग्रेफाइट जो होती है वहाँ पर, ग्रेफाइट आप कह सकते हो कार्बन, तो कार्बन जो होती है वो किसके एज ए पॉली क्रिस्टल एक्ट करती है। डायफ्रेक्शन कॉज्ड बाय द मैश कैन बी नेग्लेक्टेड। जो मैश की वजह से मतलब प्रोड्यूस हो रही होती है डायफ्रेक्शन, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो है इसका लास्ट कंपोनेंट, ल्यूमिनिसेंट स्क्रीन। लीविंग द टारगेट, डायफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, जिसको एलसी डिनोट कर रहे हैं, एंड स्ट्राइक ए फास्फोरस स्क्रीन। जो डायफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्टेंस एल ट्रेवल करने के बाद जाके एक ल्यूमिनिसेंट स्क्रीन पर जा कर के टकराते हैं, जो कि फास्फोरस स्क्रीन होती है। The beam now appears as concerning rings around a bright center. एक सेंटर होता है, ठीक है, जब वो स्क्रीन पर जा कर के बीम टकराती है तो एक मतलब कि the beam now appears as concentric rings around a bright center. Bright center के around जो होती हैं वो एक bright circle type बना देती हैं। This pattern can be visualized as a set of one-dimensional diffraction pattern. जो ये pattern produce होता है
तो आपको ये वन डायमेंशनल नज़र आता है। डायफ्रेक्शन पैटर्न्स ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स रोटेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन बीम के अराउंड जो पैटर्न प्रोड्यूस होता है उसको आप विजुलाइज कर सकते हो। थैंक यू।